साल 2004 में सोनिया गांधी पीएम क्यों नहीं बन पाई, इसका एक किस्सा है और इसी किस्से के बाद गांधी परिवार के युवराज यानी राहुल गांधी का उभार हुआ। भारतीय संस्कृति में सत्ता हस्तांतरण में स्वाभाविक पसंद वारिस होते हैं और गांधी परिवार में भी ये रवायत पुरानी है। खुद पीएम न बन पाने के बाद सोनिया ने राहुल को आगे किया, जिससे ये संदेश गया कि कांग्रेस की अब अगली कमान राहुल के हाथों में होगी। हालांकि अपने 34वें जन्मदिन से कुछ महीने पहले राहुल 2004 का आम चुनाव अपने पिता राजीव गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी से जीतकर लोकसभा पहुंच चुके थे। तब से अब तक राहुल गांधी सियासत में प्रासंगिक बने हुए हैं। हिमाचल और कर्नाटक में जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं और राहुल गांधी को जीत का क्रेडिट दिया गया है। ऐसे में आइए आपको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे यानी कि पूरा स्पॉट एनालिसिस बताते हैं। सबसे पहले ताकत की बात करते हैं। भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषाई, बहुसांस्कृतिक और बहुवर्गीय लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में लंबे समय तक शासन में रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता के रूप में उनकी पहचान सभी धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और वर्गों को साथ लेकर चलने की है। राहुल गांधी एक युवा नेता हैं जो उदार राष्ट्रवाद की उस धारा का नेतृत्व करते हैं जो बीजेपी समेत अन्य दक्षिणपंथी समूहों की कथित रूप से कट्टर पुरातन सोच के विपरीत आधुनिक सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक नीतियों में भरोसा रखती है। वरिष्ठ पत्रकार संजय दुबे ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी की देश के अंदर और देश के बाहर विदेशों में युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रियता है और वे खुद को कट्टरवाद के खिलाफ संघर्ष करने वालों की अगुवाई करने वाले ऐसे नेता की छवि बनाए हुए हैं जो काफ़ी सहिष्णु हैं। संजय दुबे कहते हैं, शोषण के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के रूप में भारत जोड़ो यात्रा उसकी एक मिसाल है, जिसमें हजारों लोग उनके साथ सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलने में कदम से कदम मिलाए। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी की उच्च शिक्षा, अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होना और आधुनिक पसंद व्यवहार से नई पीढ़ी के लोगों, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं, उच्च प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स और दकियानुसी विचारधारा को प्रगति में बाधक मानने वाले लोगों में काफ़ी साख है। अब राहुल गांधी की कमजोरियों पर बात करते हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसकी राजनीतिक विरासत रही है और अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने में योगदान रहा है, लेकिन खुद राहुल गांधी जमीनी संघर्ष का सामना न करके पार्टी में सीधे पहली कतार में नेता के रूप में बैठा दिए गए। इससे उनकी छवि समाज से सीधे सामना न करने की रही है, जो उनकी कमजोरी बन गई। राहुल गांधी आधुनिक पढ़े लिखे युवा नेता हैं, लेकिन देश के सदियों पुराने सांस्कृतिक वैभव, इतिहास, भूगोल और सामाजिक संरचना की जड़ से अपरिचित हैं। इसकी वजह से उनको देश के उस विशाल वर्ग का समर्थन नहीं मिल पाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मवाद की परंपरा में पला बढ़ा है। राहुल गांधी देश के किसान, मजदूर, गरीब, निम्न मध्य वर्ग, शोषित और महिला के साथ उनके संघर्ष में एक कुशल राजनेता के तौर पर जमीनी संघर्ष करते नहीं दिखते हैं। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने से दूर ही रहते हैं। इससे उनकी छवि अभिजात्य, पुराने सामंती और रईस वर्ग की बन गई है। वरिष्ठ पत्रकार संजय दुबे कहते हैं, राहुल गांधी अपने संबोधन में अपनी अबोध समझ की वजह से कई बार गलतियां कर जाते हैं। इससे वे अक्सर ऐसी बातें बोल जाते हैं या ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो हास्यास्पद होती हैं और उन्हें नॉन सीरियस नेता की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देती हैं। ललित राय कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार के खिलाफ वो देश और विदेश में प्रखर राय रखते हैं, लेकिन कांग्रेस की कारगुजारी का इतिहास उनके हमलों की धार को कुंद कर देता है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक नाकामियां ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ कई बार झूठे या फेक तरीके से सेट किए गए नैरेटिव से भी उनको नुकसान हुआ, जो काफ़ी हद तक भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल ने पार्टी के भीतर पुराने कल्चर और नेचर को बदलने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन बहुत सफल नहीं हुए। उनके सामने कई अच्छे और पुराने नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जो उनकी कमज़ोर नेतृत्व क्षमता और सोच दोनों पर सवाल उठाता है। जानकारों की माने तो कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं ने भी राहुल गांधी की नेगेटिव इमेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नुकसान राहुल को हुआ। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी के सामने क्या अवसर हैं।
राहुल गांधी को कांग्रेस नेता के रूप में व्यापक समर्थन प्राप्त है। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता भी उनको सीधे चुनौती देने की हिमाकत नहीं कर सकते, भले ही वे अंदर से उनके राजनीतिक कौशल को न स्वीकारते हों। यह उनके लिए खुद को आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। संजय दुबे कहते हैं कि राहुल गांधी के पास बीजेपी की दक्षिणपंथी सोच के खिलाफ विपक्ष के नेता के तौर पर लड़ाई लड़ने का यह उचित समय है। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं और अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की एक बड़ी और बहुसंख्यक आबादी रोजगार की कमी, विफल आर्थिक नीतियों, कथित तौर पर विरोध की आवाज़ को दबाने और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर उनके खिलाफ है। ऐसे में यह राहुल गांधी के लिए अच्छा अवसर है कि वह विपक्ष को एकजुट कर इसका सियासी फायदा उठाएं। राहुल गांधी अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, लिहाजा उनके पास जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने, उनसे सीधा जुड़ाव करने का अच्छा मौका है। इस समय भारत जोड़ो यात्रा जैसी छोटी छोटी यात्राएं निकालकर जनता का समर्थन हासिल किया जा सकता है, जो उनको चुनावों में जरूर मदद करेगा। राहुल गांधी को केंद्र सरकार के खिलाफ कई बार बेवजह बयान देने के बजाय जनता के मुद्दे उठाने और जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, जो क्रांति करने के बजाय सामाजिक सौहार्द बनाकर रखने में भरोसा रखता है। खुद राहुल गांधी की छवि युवा नेता की है, ऐसे में यह बड़ा अवसर है कि वह उनके साथ खुद को जोड़ें। अब आखिर में बात करते हैं कि राहुल गांधी को क्या खतरा हो सकता है। राहुल गांधी पार्टी और पार्टी के बाहर दूसरे दलों के कई नेताओं के आगे अपनी बात प्रमुखता से नहीं रख पाते हैं। वे कभी अपनी बहन प्रियंका गांधी को आगे कर देते हैं तो कभी दूसरे नेताओं को खड़ा कर देते हैं। ऐसे में संसद के अंदर भी कई बार कथित तौर पर प्रमुख मुद्दों पर गंभीरता से तैयारी करके नहीं बोलते। इस वजह से वे अक्सर कथित तौर पर नॉन सीरियस लीडर मान लिए जाते हैं। अगर वह इससे मुक्त नहीं हुए तो यह उनके लिए एक नकारात्मक छवि बनाएगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी देश में जरूरत के समय अक्सर विदेश चले जाते हैं। जब देश में उनको आंदोलन करने चाहिए, लोगों की आवाज़ों को उठाना चाहिए, तब वे विदेश जाकर वहां पर मोदी विरोध में बयान देना शुरू कर देते हैं। ये उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को बताता है। इससे उनकी खुद की नेतृत्व क्षमता सवालों के घेरे में आती है। संजय दुबे कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी पार्टी में अपनी माँ सोनिया गांधी की तरह स्वीकार्य छवि नहीं बना पा रहे हैं। उन्हें जिस तरह संघर्ष करना चाहिए, वह अपने साथ रहने वाले कुछ चापलूस और दरबारी टाइप के नेताओं से दबे रहते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस से जुड़े एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या खुद की निर्णय क्षमता पर भरोसा नहीं करना है, जिससे वो हमेशा संशय में रहते हैं और यही उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद घातक है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी गंवाने के बाद से राहुल गांधी के भीतर बहुत परिवर्तन देखा गया है। उनके अंदर सीखने की ललक और सुनने की क्षमता दिख रही है। वो राजनीति का अध्ययन भी कर रहे हैं। वो पहले से अधिक परिपक्व और सुलझे हुए नेता भी नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो वैसे भी भारतीय राजनीति में 53 साल की आयु कोई ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी के पास पॉलिटिक्स में लंबा वक्त है। अगर वो अपने भीतर निर्णय लेने की क्षमता और विकसित कर लें, जमीनी हकीकत से परिचित होना शुरू कर दें, जनता और कार्यकर्ता से सीधे और सरलता से संवाद करें, 2400 घंटे 7 दिन एक्टिव नेता बन जाएं, तो शायद वो कई नेताओं से और आगे निकल सकते हैं। अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। राहुल गांधी को अब तक राजनीति में करीब 2 दशक बीत चुके हैं। ऐसे में ये आम चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस के भविष्य दोनों के लिए काफी मायने रखते हैं। का नतीजा क्या होगा, इसके लिए अब 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा।